तो सुबह के 4 बज गए हैं, सो मैं अभी वीकेंड में ऐसा ही होता, दिल नहीं करता अपने। मेरे आईब्रो की हालत ऐसे कितने गंदे लग रहे हैं। मैंने लास्ट वीक लामिना था करवाया था आईब्रो, मैंने बालों की शेप ऊपर की तरफ दी थी एंड को मैंने टिंटेड करवाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। हमारे एशियन को इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे बहुत बुरे लग जाते। हाइलुरोनिक सीरम हाइड्रेटिंग, अजीब बात होती है ना, सुबह सुबह उठते साल ही अपने फेस का करो, फिर मैं तो तंग आ जाती हूँ कभी कभी ये स्किन का करते करते ना। नाइसिनमाइड सीरम ना सिर्फ आ गई, मैंने और दी ऑर्डिनरी वालों का वैसे यूज कर रही हूँ। जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप अपनी स्किन के प्रोडक्ट्स नहीं बताती, मैं बताती हूँ साथ साथ, लेकिन कुछ लोगों को शायद वो नजर नहीं आ रही होती। ये स्किन के जितने भी पोर्स होते हैं उनको क्लोज नहीं करता, रिड्यूस करता है, एंड स्किन को थोड़ा सा हेल्प कर देता है ब्राइटनिंग में, और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई होती है, फिर मेरा बार बार दिल नहीं करता मैं प्रोडक्ट्स के बारे में दोबारा रिपीट में बोलूँ। इतने दफा नाइसिनमाइड पर मैं बात कर चुकी, अभी मैं बोर फील करती। मॉइस्चराइजर डिपेंड करता है आपकी स्किन को किस तरह के मॉइस्चराइजर की जरूरत है। अगर तो ड्राई है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर की जरूरत है आपकी स्किन को, अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो वाटर बेस्ड। तो इसमें इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, वाटर एंड ऑयल का सारा खेल होता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। बस ये है कि आप जितना अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रखेंगे आपकी स्किन हेल्थी रहेगी, क्योंकि हम अपनी स्किन को नेचुरली हेल्थी रखेंगे तो वो जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो खुद उनसे लड़ेगी। हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मतलब यूज करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बेस्ट चीज हाइड्रेशन। मैं कई बार उनका सनब्लॉक यूज कर रही हूँ, लास्ट आप बिलीव नहीं करी कि जब मैं 17 ईयर की थी तब से मैंने स्टार्ट करने लगी हूँ। इसके बाद मैंने काफी ज्यादा सनब्लॉक यूज की है, लाइक डिफरेंट ब्रांड्स की शुरू की, लेकिन इसके बावजूद मेरे जो प्यार इससे मेरी स्किन ठीक रहती है। आई डोंट नो क्या है इसमें, क्योंकि इसमें एलोवेरा भी है, इसमें विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है, एंड ये स्किन को इतना ज़्यादा मजे का कर देता है। एंड इसकी प्राइस बहुत बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट 7 यूरो का आपको मिलेगा, जस्ट 7 यूरो ये कंज्यूम से मिल जाएगा, मेरे को दोनों से मिल जाएगा, अफोर्डेबल है, लड़के भी यूज़ करें लड़कियाँ भी यूज़ करें। मैं तो इसको करते हैं हाथों पाँव पर भी लगाती हूँ, क्योंकि इतना अफोर्डेबल है, इतना हेल्थी रखता है स्किन को। एंड यू ये अभी मेरी स्किन वाइट होगी थोड़े टाइम बाद ये ठीक हो जाएगी, 2 से 3 मिनट बाद। इसके लिए मैं यूज करती हूँ ये हाइड्रा बूस्टर। आई डोंट थिंक सो मेरी स्किन को जरूरत है किसी भी कैफीन की, लेकिन वो मैं यूज कर लेती हूँ। लेकिन मेरा बेस्ट ये है हाइड्रेशन, चाहे वो आईज की स्किन हो, चाहे फेस की हो, चाहे बॉडी की हो, जस्ट हाइड्रेट करें अपनी स्किन को जितना हो। सो बेस्ट होता है कि अगर आपके पास ऑयल है, लाइक रोजा मुस्केता ऑयल है या बिसाब ऑयल है, आप उसे भी हाइड्रेट कर सकते हैं स्किन को, 1 ड्रॉप लेकर अपनी स्किन की मसाज कर सकते हैं अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो जस्ट मतलब होता है कि हाइड्रेट करना स्किन को, बेस्ट ऑयल ही है, बाकी ये सब कॉस्मेटिक में। दिस इज माई फाइनल लुक, वीकेंड में इतना ही काफी है। बाय।